नमस्कार। तो आज आप हम धनी सर्विसेज स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। धनी सर्विसेज के फंडामेंटल नंबर्स भी हम लोग चेक करने हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है निवेश करने के लिए। मार्केट कैप जो धनी सर्विसेज की है 2000 करोड़ की मार्केट कैप है, पी नहीं है, ROC माइनस है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी माइनस ही है, EPS माइनस में, कंपनी लॉस दे रही है, कंपनी के ऊपर जो डेब्ट है लोन है 832 करोड़ का है, सेल्स देखोगे तो 390 करोड़ के है, प्रोमोटर होल्डिंग 31% है, सेल्स ग्रोथ में गिरावट है, प्रॉफिट ग्रोथ में हल्की सी रिकवरी है। पर यहाँ पे एनालिसिस के ऊपर नज़र डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो नेगेटिव पॉइंट है वो काफ़ी सारे नज़र आते हैं। और क्वार्टर के नतीजे भी देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही नेगेटिव आ रहा है, कंपनी लॉस में जा रही है। पिछले 10-15 क्वार्टर से देखा जाए, 2021 से देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2021 से कंपनी लॉस मेकिंग बनती गई है, जिसमें काफ़ी गिरावट भी देखने को मिले। प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट इस साल हल्का सा यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, लॉस जो हो रहा था वो लॉस में कम होती हुई दिखाई दे रहे। इन्वेस्टर्स देखोगे तो प्रोमोटर होल्डिंग हल्की सी 30% से बढ़कर 31 हो गई है, FII की होल्डिंग 28 से कम होकर 14% है, DII की होल्डिंग 1.40 से 1.45 है, पब्लिक होल्डिंग जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही काफ़ी ज़्यादा। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट धनी सर्विसेज के लिए।